अस्सलाम वालेकुम, इश्फा बुटीक में आप सभी को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको पैनल शर्ट कटिंग करना सिखाऊंगी, बिना पैनल कटिंग किए हुए लेस लगाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है इसके लिए मैंने। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। 10 साल की बच्ची के लिए मैं ये शर्ट बनाने लगी हूँ, आप अपने हिसाब से ले। ये मैंने नेक ले लिया है, रेडीमेड नेक मैंने लिया है जो मैं गले पे अटैच करूँगी। शीशे ले लिए हैं कुछ और बारीक सफ़ेद लेस ली है। तो चलें शुरू करते हैं कटिंग। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। लेंथ मैंने इसकी रखनी है 29.5 इंचेस। नीचे मैं इसके टिशू अटैच करूँगी, इसलिए मैं फ्रंट पार्ट कम रख रही हूँ। और इसकी मैं 4.5 इंचेस पर पैनल का निशान लगाऊंगी। इन सारे निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। शोल्डर मुझे 6.25 इंच चाहिए और हाफ इंच में मार्जिन रखकर 7.25 इंच शोल्डर रख लूँगी। शोल्डर के लेंथ 6 इंचेस रखी है। चेस्ट 8 इंच, मार्जिन 1.5 इंच बढ़ा के रखूंगी कटिंग का मार्जिन। चेस्ट से कमर तक का फासला 5 इंच रखा है। 7 इंच वेस्ट, हाफ 1 इंच कटिंग का, 7 इंच लेंथ हिप रखी है। इन सारी मार्जिन्स को हम सीधा कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन रखेंगे, 2.5 इंच गले की चौड़ाई और बाकी शोल्डर को सीधा करके फिर कटिंग कर लेंगे। चलिए अब ये सारी कटिंग्स हम कर लेते हैं। पैनल के निशानों पर मैं फुटके लगा दूंगी ताकि मुझे बाद में आसानी रहे। बैक पार्ट की तरफ आते हैं। बैक पार्ट में पूरी लेंथ रखूंगी। फ्रंट पार्ट मैंने थोड़ा छोटा रखा था। बैक पार्ट 34.5 इंचेस लेंथ रखी है और चौड़ाई में 1/2 इंच कम रखूंगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट पे मैंने पैनल का मार्जिन रखा है और सेकंड पार्ट में मैं 10.5 ले लूंगी। अब सिंपली मैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर कटिंग कर लूंगी। स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने साइड्स में जो कपड़ा बचा था वो ही ले लिया है। 14 इंच की लेंथ ली है, 8 इंच की चौड़ाई ली है, ऊपर से 2 इंच डाउन रखेंगे और कर्व दे देंगे।
अब फ्रंट पार्ट को लेके मैं इनकी जो पैनल के कुटके लगाए थे उनको सीधा करके प्रेस करके उस पे निशान आ जाएगा प्रेस का, तो हमें लेस लगाने में कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मैंने ये प्रेस करके इन पे पैनल के निशान लगा लिया। बहुत ही अच्छे से इस पे फाइन निशान आ गए हैं और इसी के ऊपर लेस रखते हुए हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। गला मैंने जो रखना है वो बच्ची के हिसाब से रखना है, तो ऊपर में जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कट कर दूंगी। हमने लेस ले लेनी है, लेस को उल्टी तरफ ऊपर रख के और सीधी तरफ नीचे रख के मार्जिन के साथ साथ अपनी सिलाइयाँ लगा लेनी। दूसरी साइड भी इसी तरह अटैच कर देंगे लेस। अब सिंपल इसको लेस को पलटते हुए कपड़े के ऊपर साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे, तो देखें कितनी अच्छी तरीके से ये पैनल अटैच हो गया है, ना ही कटिंग करनी पड़ी है, ना ही कोई मुश्किल काम करना पड़ा है, और फिनिशिंग के साथ ये हमारी लेस अटैच हो गई है। गले के लिए मैंने जो हमारा गला था उसके लिए मैंने लाइनिंग का एक कपड़ा लेकर उसके नीचे की तरफ रख लिया है और गले के ऊपर मैं सिलाइयाँ ऊपर किनारे पे लगा लूँगी। बहुत ही इजी तरीके से ये गला हमारा रेडी हो जाएगा, ना कोई फ्यूजिंग की परेशानी, ना ही कोई प्रेसिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ये गला अटैच करना बताऊँगी। सेंटर का निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर दें। अब हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेते हैं, उल्टी साइड पर रखेंगे और इस तरह से गले को भी हम सीधी साइड नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखकर अटैच कर लेंगे और सिलाई के साथ साथ हम किनारी पर इसको अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर देंगे, कुटके लगा दें ताकि नाइटली ये पलट के अच्छी तरह से आ जाए। देखें गला हमारा रेडी है, इसके ऊपर किनारों पर सिलाई लगा लें। अब हमने क्या करना है, जो इसके बाकी का हिस्सा है उसको भी सिलाइयों से अटैच कर लेना है। मैं जिगजैग स्टिचेस के साथ ही इसको साइड्स के इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से अटैच करूंगी। ये मैंने तिल्ले वाली, मेरे पास ये थ्रेड है, इसके साथ में ये सारी इसकी फिनिशिंग से सिलाइयाँ लगा लूंगी जिगजैग। कागज़ मैंने नीचे रखा है ताकि मेरा नीचे वाला कपड़ा हिले जुले ना और अच्छी तरह से ये अटैच हो जाए। देखें कितनी फिनिशिंग से ये जिगजैग स्टिच के साथ मैंने अटैच कर दिया है, बिल्कुल नाइसली ये अटैच हो गया है। अब मैं दामन के लिए मैंने डबल फोल्ड करके टिश्यू ले लिया था, इस पे मैं प्लेट्स डालूंगी नीचे। ये टिश्यू मैंने डबल फोल्ड करके 5 इंचेस लिया है। अब मैं इन प्लेट्स को अच्छी तरह
बिठा लूंगी प्रेस करके। मैंने स्लीव्स के लिए भी इसी तरह से टिश्यू के साथ ये तैयार कर लिया। अब हम इसको फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। पहले लेस अटैच करेंगे। उसको लेस को पलट कर साथ ही नीचे हम टिश्यू अपनी रखकर सिलाई लगाएंगे। बहुत अच्छे से ये अटैच हो गया। अब बैक गले की तरफ आते हैं। बैक गले के लिए मैंने ये आड़ी पट्टी काट रखी है और ये जो हमने बैक का राउंड कटिंग किया था उसके साथ अटैच करेंगे। कुटके लगा लें। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के शोल्डर के साथ रख कर और ये जो हमने पट्टी लगाई है वो इसके ऊपर रख कर अच्छी तरह शोल्डर अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये सीधा हो सके। दूसरे साइड को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। पट्टी को सीधा करके हम बैक पे सिलाइयां लगा लें। बैक गला भी हमारा रेडी हो गया। स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स पर से मैंने इसी तरह जैसे दामन पर लेस अटैच करके टिश्यू अटैच किया था उसी तरह से स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ अटैच करेंगे। दूसरे साइड की भी शोल्डर को इसी तरह स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। हल्की हल्की सी मैंने टॉप पर चुने दी हैं। मैंने कपड़ा स्लीव्स का ज़्यादा रखा था। साथ ही मैं ये स्लीव्स के साथ सिलाई लगाते हुए फिटिंग की सिलाइयाँ लगा दूंगी जिसकी मैंने मार्किंग शुरू में ही कर ली थी। दोनों साइड्स की फिटिंग की सिलाइयां लगा लगा ली हैं। स्लाइड्स भी हम फोल्ड कर लेंगे। टिश्यू वाले हिस्से पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, तुरपाई से फोल्ड करूंगी। अच्छा लुक आएगा। शर्ट हमारी रेडी है। इन पे शीशे मैंने अटैच कर लिए थे। बहुत ही अच्छी शर्ट बनी है। कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा, रियल में ये बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछें। बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।